इंदौर में खरगोन, धार और आसपास के जिलों से लाकर अवैध रूप से गांजा तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से लगभग 3.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर 114 का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर 3 गांजा तस्करों को अपनी हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपी शुभम, संदीप और एक अन्य तस्कर से लगभग 3.5 किलो गांजा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी धार, खरगोन और आसपास के जिलों से गांजा लाकर शहर में सप्लाई करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि 100 स्कीम नंबर 136 में 3 लड़के रहते हैं जो गांजे धंधा करते हैं और महालक्ष्मी नगर में आकर बेचने वाले हैं। इस सूचना पे पुलिस ने ट्रैप पार्टी लगाई थी, तो वहाँ पे जब 3 लड़के जो 20-22 साल की उम्र के हैं, तो उनमें से उनको करीब उनके पास से 3.5 किलो गांजा, कीमती 25,000 रुपये का जब्त किया गया है। और आरोपी हैं शिवम संदीप सोनी, कुलदीप पवार और शिवम पांडे, ये तीनों को पकड़ा गया है, जिसमें से एक वो धार का रहने वाला और 2 लोकल के यहीं के इंदौर क्षेत्र के निवासी हैं। अभी उनसे इंट्रोगेट कर रहे हैं, पुलिस जानकारी ले रही है कि कहाँ कहाँ से लाया पहले और कितनी बार उन्होंने बेचा है, किसको उसको बेचा है, वो सोर्स भी पता कर रहा है कि कौन इनके खपत करने वाले लोग हैं, उनकी भी जानकारी ले रहे हैं। पुलिस आरोपियों से उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबाड़ न्यूज, इंदौर।